नहीं यार, बोले तो वीडियो बना रहे थे हम पहन के। क्यों? तो ढोलना पहन कर आप वीडियो बना रही थी? हाँ, मंगलसूत्र पहन के आदमी बनाता है, एक 15 सेकंड के लिए तो आदमी शादी कर लेता है। रील्स की बात कर रहे हैं, रियल लाइफ की नहीं, रील्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तमाम आपके शादी के प्रूफ लगभग लोग बता रहे हैं कि शादी हुआ है, कोई आपका परिवार खोज रहा है, तो क्या आपका पहले शादी हुआ है? अच्छा एक बात, मेरा परिवार कौन खोज रहा है? कुछ महिलाएं आपके परिवार का फोटो साझा कर रही हैं सोशल मीडिया पर, वो आपके परिवार के बीच गई भी थी, उनके साथ मारपीट भी हुआ है। मेरे परिवार पे ही, हम परिवार पे केस किए हैं कि रोशन भाई पे केस किए हैं। लेकिन आपका कहना था किरण जी की मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत साबित होते हुए नजर आ रहा है। क्या गलत साबित हुआ? आप अनाथ हैं। FIR पेपर पढ़े थे? ये तो मैं नहीं पढ़ा हूँ। उसमें क्या दिया गया? लेकिन आपका बयान था कि मैं अनाथ हूँ। आपका बयान था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा मम्मी पापा नहीं है। अब एक बात की मतलब कह रहे हैं, हम इनकी बेटी हैं, बाई मतलब मेरी माँ एक्सपायर कर गई, अब हम उन्हें नहीं जान रहे, उनको ना देखे ना जाने, हमको जो बचपन से रहा आप उसको क्या बोलिएगा? माँ बोलेंगे, माँ बोलेंगे, पापा बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि लोग जो बेवकूफ लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आके बोली तुम, अरे बेवकूफ, तुम जज वकील हो, जो तुम्हारे सामने बोलेंगे, हम जब FIR पेपर में लिख दिए जज के सामने बयान देके चले आए, तो तुम क्या हो? 164 का बयान है, बयान दिए देने गए, एक और जज के पास बुलाया गया, उस टाइम भी जाके बयान दे के आए। अच्छा, उस फोटो में तो आप यंग दिख रही हैं, बच्ची तो नहीं दिख रही हैं। किस फोटो में? जिस फोटो को शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके माता जी हैं, आपकी छोटी बहन है, और एक फोटो और दिखाया जा रहा है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है, आपकी माता जी को दिखाया जा रहा है, आपकी भाभी को दिखाया जा रहा है। हम नहीं है, मेरी बहन है। आपकी आपकी बहन है, आप नहीं है उस फोटो में। उस मैटर में माँ बहन का फोटो का क्या काम है? बाबा फिर से कोर्ट में वो दिखाने से क्या होगा? नहीं, ये पब्लिक नहीं, जो पब्लिक में दिखा रहा है उससे उन लोगों को क्या मिल रहा है? झूठ मूठ का TRP के लिए सब फोटो सबका शेयर कर रहे हो, करते रहो, कुछ नहीं तो मिलेगा। आप भी किरण जी कहीं ना कहीं TRP के लिए ये बोली होंगी कि मैं अनाथ हूँ। ऐसा लगता है आपको? इतने बेवकूफ नहीं है तो फिर तो कहीं ना एक मिनट एक मिनट, जब ऐसा मैंने बोला तो आप जाके FIR देख लेना जज के सामने, 164 के बारे में आपको पता होगा, आप लोग को पता होगा कि 164 के बारे में हम क्या बयान दिए हैं। वो जब डायरी खुलेगा ना, तो उसका वकील निकलेगा वहां से, तो जरूर बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। एक क्वेश्चन मेरा भी है किरण जी से, तो जो वीडियो मैंने देखा था, मैं तो वहां नहीं गई हूँ, जो वीडियो मैंने देखा था कि वो आपके फादर ने जो बात बोली कि ये मेरी बेटी है, ये बात उन्होंने बोली, हाँ, ये मेरी बेटी है, ये भी तो कह सकते कि मेरी भतीजी है, मेरी भगनी है, ये भी नहीं, तो बात नहीं। वो कह सकते थे। देखिए हम बताते दीदी, वो क्या पूछी, क्या पहले तो वो क्या क्वेश्चन किया कि रोशन आपका, आपकी बेटी का 2 शादी हुआ है, पापा क्या बोले, रोशन रोज का पति है जब नाम लिए तो। अब आपसे हम आपको बचपन से रखे, अब कोई पूछने जाएगा, मेरे फैमिली मुंह चुरा के नहीं बैठे हुए थे, अगला मुंह चुरा के बैठा हुआ था, मुंह क्यों छुपा के? अब शादी नहीं हुआ है तो शादी को जब कोर्ट नहीं मान रहा, तो हम आपको बोल के आप और हम मानने से कुछ हो जाएगा? लेकिन आप जब वो लड़का मान रहा था, रखने के बाद भी तुम पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप जब बोले तो पूरा बात सुन लिया कीजिए। उस शादी को कौन मान रहा है, हम और आप? जज आपका मेरा बात मान लेगा वहाँ पे? ये तो आप और रोशन रोही मानकर भी ना एक साथ रह रही थी, बिना शादी को माने तो आप नहीं रह रही। चार लोग में शादी नहीं होता है। जब मेरी बात हुई उनसे, क्या बोलते हैं, वकील सर से, श्री नंदन भारती से, सर मेरी कोर्ट मैरिज करवा दिया जाए, तो आप तो उस टाइम बोले कि एज नहीं है बेटा, 6 महीना बात करना, पल छुपा वाली है, तो आप तो पलट गए। 6 महीना बाद क्या ट्राई की कोर्ट मैरिज करने के लिए आप? क्या आप 6 महीना वो तो बोला पहले कॉम्प्रोमाइज करवाओ मेरा केस, तब तुम्हारे साथ हम रहने के लिए रेडी होंगे, नहीं तो मार पीट, पागल तो हो गए थे हम। क्या चाहते कि उस टाइम हम मर जाते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि आप मर जाइए, हम चाहते हैं कि आपका, आप जो सच्चाई रख रही है उसका साथ हम लोग भी निभाए। लेकिन आप भी तो रह रही थी रोशन रोही के साथ, तो आपका भी तो कुछ तो धर्म होगा कि मैं इस धर्म से रह रहा हूँ, रोशन रोही के साथ हम बिस्तर हो रहा हूं। मेरा एक ही कहना था शिवनंदन सर के पास, क्या हम जज सर के सामने भी ये चीज बोल के आए कि सर मेरी कोर्ट मैरिज करवा दी जाए। दूसरी बात की 15 दिन बाद ये मिल ली रोशन से, और 15 दिन बाद एक ही महिला विकास मंच को क्या बोलते बीना दी, 15 दिन बाद रोशन रूम पे से वहां से भी फरार हो गया, ठीक है, अपनी माँ को लेके, माँ को लेके रह रहा था आपके साथ, माँ और रोशन साथ में रहते थे। रोशन आता नहीं था रूम पे, अपनी एक मिनट, अपनी माँ के साथ ही रहता था, अपनी मम्मी के साथ हमको रखा, कभी कभी आता था फिर नहीं आता, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको रख रहा था, हम आराम से रह रहे थे, ठीक है। दूसरा, 15 दिन बाद मालिक बोल रहा हमको आके कि रूम खाली कीजिए, वहाँ का रूम मालिक ही हमको बोला कि देखिए रोशन जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप रूम खाली कर दीजिए। तब उसी एक सप्ताह में
मेरा हम गए थाने में, बहुत लोग मीडिया वाले लोग हमको देखे थे थाना जाते हुए, हम गए थाना अपना रिपोर्ट के लिए, तो मैडम बोली बिना जांच पड़ताल का तुम्हारा केस नहीं लेंगे, आधार कार्ड वगैरह जो भी था उनका मैडम पहले देखी, जांच पड़ताल मेरा सब चीज़ हुआ तब जाके मेरा शाम के टाइम में केस लिया गया। तो फिर बिना मानवी जो उस समय बोल रहे थे आपको, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराई थी, वो क्यों पलटेंगी? उसके बाद क्या घटनाएं हुई कि आपके साथ रोशन रोही, उसके परिवार ने मारपीट किया फिर